बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। पिंपल्स सबके फेस पर, बहुत सारे लोगों के फेस पर होते हैं। क्या कभी किसी ने ये बताया कि फेयर एंड लवली जो है, ग्लो एंड लवली हाइड्रा ग्लो जो कि अब मार्केट में इस नाम से आ रहे हैं, फेयर एंड लवली ही क्रीम है, लेकिन ये तो क्या ये आपकी पिंपल्स की स्किन के लिए सूटेबल है कि नहीं है? किसी ने ये बताया कि नहीं बताया? आए चले इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू माई चैनल, जो न्यू मेम्बर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। तो जी, हम सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी सी पिंक कलर की, गर्ल्स मोस्ट फेवरेट ये कलर है, मेरा तो मोस्ट फेवरेट कलर है ये। बहुत खूबसूरत सी ये पैकेजिंग इन्होंने की हुई है। और इसकी जो है, मैं अंदर से भी इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ आपको, ये कैसी है ये आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत सी ये, देखें आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुई है, कुछ ही टाइम हुआ है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी फ्रेगरेंस कैसी है। इसकी जो फ्रेगरेंस है वो है रोज़ की, और रोज़ फ्रेगरेंस वैसे भी हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और पर्सनली अगर परफ्यूम्स हों, कुछ भी हों, तो मुझे तो रोज़ की स्मेल्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो अच्छा, बात करते हैं पिंपल्स की। जो स्किन होती है, जिसकी स्किन ऑयली है, जिसकी स्किन पर पिम्पल्स हैं, उसके लिए सूट है कि सूटेबल है कि नहीं है? जिसकी स्किन पर पिम्पल्स हैं वो इसे मोस्टली जो अप्लाई कर सकती हैं। ये कहता है कि 24 आवर्स तक ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसमें लिखा हुआ होता है कि 24 आवर्स तक ये देखें आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। 24 आवर्स तक तो कोई भी क्रीम आपकी स्किन को हाइड्रेट नहीं कर सकती, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात। सेकेंड बात जो है, हर कोई कहता है कि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई करती है, आपकी स्किन इससे बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत अच्छा से इफेक्ट देती है, आपकी स्किन बेस्ट हो जाती है। फेयर एंड लवली एक बहुत पुराना ब्रांड है वैसे भी, लेकिन अब ये बताती हूँ मैं कि ये पिंपल्स जिनके चेहरे पर हैं वो लगा सकते हैं कि नहीं। तो जिनके चेहरे पर पिंपल्स हैं वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपके पिंपल्स को कोई असर नहीं पड़ता। पिंपल्स के लिए आप कोई अच्छे डॉक्टर से फेस वॉश लें, और मैं कहती हूँ ये, मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि कोई अच्छे डॉक्टर को आप वहाँ से जाके आप अपनी स्किन टाइप जो भी है आपकी आप बताएं, आपकी ऑयली स्किन है, आपकी ऑयली स्किन जिसकी होती है वैसे उसी को पिम्पल्स होते हैं, तो आप अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करें, वो क्रीम्स देंगे आपको, और इसके बाद जब आपके पिम्पल्स कम हो जाते हैं तो इसे आप डेफिनेटली आप एक थोड़ा छोटा छोटा अमाउंट लेकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने यूज़ कब करना है, आपने ओवरनाइट यूज़ नहीं करना। जिनकी नॉर्मल स्किन है वो इसे ओवरनाइट यूज़ कर सकती हैं, अच्छे से फेस को क्लीन कर लीजिए फेस वॉश से, और इसके बाद आप इसे ओवरनाइट अप्लाई कर लीजिए। लेकिन अगर जिसकी स्किन पिंपल प्रोन स्किन है, तो वो इसे आप नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं, जैसे ईशा की नमाज से फ्री हो जाते हैं, तो इसके बाद आप इसे अप्लाई कर लीजिए, और रात को सोने से पहले आप इस कोई भी अच्छे से क्लिनजर से अपना फेस क्लीन करके, फेस वॉश यूज़ करके, डॉक्टर की दी हुई जो भी क्रीम वगैरह हो वो अप्लाई करके आप सो जाइए। तो ये रात को जिनके पिंपल्स हैं चेहरे पर, वो रात को इसे नहीं लगा सकते, और वो इसे डेफिनेटली लगा ज़रूर सकते हैं, लेकिन 3 to 4 आवर्स तक, इससे ज़्यादा वो इसे नहीं अप्लाई करें, ठीक है। तो ये है इसकी, अब हम मैं इसको खोल के भी दिखाती हूँ। अच्छा, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत माइल्ड सा है, वो नहीं है, थिकनेस नहीं है, जैसे एक स्किन पर ये देखिए कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, वो स्किन को जो अजीब सा करती है ना, इस तरह का नहीं है। ये बहुत ही अच्छी सी है, सॉफ्ट सी है, और लगाने के थोड़ी देर के बाद आपको लगता ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है चेहरे पर, और ये अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मेरी तरफ से ये बहुत रिकमेंडेड है, और मेरी तरफ से, और आप इसे डेफिनेटली बाय करें। इसकी जो प्राइस है, आई थिंक इसकी जो प्राइस है 499, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी, ये आपको 500 तक में मिल जाएगी, कहीं 450 की भी होती है अवेलेबल, आप खुद देख लीजिएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।